वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज महाअष्टमी यानी कि आज आठवीं पूजा का है दिन। तो फ्रेंड्स, आज महागौरी की पूजा किया जाता है और आज है आठवीं, और व्रत की खुशी में मैंने पहनी है आज साड़ी, देख सकते हैं। आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है और आज और कल है अंतिम दिन, तो सोचा क्यों ना नवरात्रि को अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाए, तो उसी खुशी में मैंने पहन लिया है साड़ी। तो मेरा ये गेटअप कैसा लग रहा है आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये न्यू लुक कैसा लग रहा है। तो मैं छत पे गई थी वीडियो शूट करने के लिए, थोड़ा बहुत रील्स बनाती रहती हूँ मैं, आप लोग तो जानते ही हैं, मुझे बहुत ही शौक है रील्स वगैरह बनाने का। तो मैं ऊपर से अभी नीचे आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, अपने हस्बैंड जी को बुलाया था कि चलिए ना थोड़ा सा एक वीडियो शूट करवा दीजिए मेरी, तो आए थे तो थोड़ा सा उनको भी बहुत बड़ा ही रिक्वेस्ट करके मैंने वो भी वीडियो बनाया है। बाय द वे, उनको भी वीडियो में आना और वीडियो रिकॉर्ड करना, शूट करना, ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी खुशी के लिए उन्होंने इतना किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी लगा। तो फाइनली मैं नीचे आ गई हूँ और वो देखिए, वो तो आते ही बस सो गए हैं। अब चलते हैं, अपना ये जो गेटअप है उसको उतार लेते हैं, क्योंकि मेरे को साड़ी में तो रहा नहीं जाता है। और देख सकते हैं कैसा मेरा लुक हो गया है साड़ी का, ऐसे रहूँगी ना तो मैं कोई घर का कोई काम नहीं कर पाऊँगी। और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आज मेरा व्रत है और मुझे लग नहीं रहा है कि हाँ मैं आज फास्टिंग कर रही हूँ, मतलब एक अलग से ही एनर्जी आ गई है माता रानी की कृपा से। आज मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपना यूट्यूब का काम भी कर रही हूँ व्रत के साथ, और जो भी मेरे किचन वचन का काम था, जो भी काम है, बच्चे संभालना, जो चीज़ है मैं खुद ही कर रही हूँ। गेटअप चेंज कर लिया है और ये रहा, ये मेरा अनारकली ड्रेस बोलते हैं इसको, जिसके साथ है प्लाजो, और ये अभी नया पे निकला है अनारकली ड्रेस, मैंने 700 का लिया था, 700 रुपये का लिया था, बहुत महंगा है, अभी नया नया चला है ये ड्रेस, तो 400-500 का ये सेट आ रहा है, बहुत ही महंगा है। तो चलते हैं अभी नीचे थोड़ी देर के लिए, मैंने सासू माँ को अपनी बेबी को दे के आई थी कि मम्मी मैं आ रही हूँ छत पर से, उनको नहीं पता है मैं ऊपर गई थी, लेकिन झूठ बोल के, झूठ तो नहीं, ऐसे दे के आ गई हूँ मैं ऊपर से आ रही हूँ। तो चलते हैं देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी का क्या रिएक्शन है। अरे टेडी बियर से खेल रहे हो आप आयुष? अरे वाह वाह, घर घर में लेके जा रही है। अरे वाह आयुष, ला मुझे दो। किसका है ये? नहीं देगा, नहीं देगा, ऊपर लेके जा रहे हो। आयुष अपने रूम में छुपा ले, जा ले जा, छुपा दे, आयुष जाओ छुपा दो, घर में छुपा के आओ। नहीं देगा पीयूष, नहीं देगा। तो मेरी सासू माँ मेरे बेबी को खिला रही थी, तो मुझे अच्छा लगा चलो थोड़ी देर के लिए सही पकड़ लेती है, लेकिन कभी कभी ना चिड़चिड़ा हो जाती हैं, नहीं पकड़ती हैं बच्चों को, कहती हैं नहीं लेकर जाओ, लेकिन कभी कभी फिर भी पकड़ ही लेती हैं। अब उनको बेबी का आदत नहीं है ना, इसीलिए संभाल नहीं पाती है, ये रहता भी नहीं है। अभी मैं आई हूँ आप लोगों को जई दिखाने, ये देख सकते हैं मेरा जई कितना बड़ा बड़ा हो गया है, यानी लंबा लंबा हो गया है। और कहते हैं ना ये जई जितना घना होता है उतना ही माता रानी की कृपा बनी रहती है। तो चौथे या तीसरे दिन तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था मेरा जई, लेकिन ये पांचवें दिन से इतना तेज़ी से अपने रफ्तार में बढ़ा कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, इतना तेज़ी से बढ़ा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अभी हो गया है मेरा एनर्जी लो व्रत की वजह से, दोपहर तक तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो दिन भर तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थी, लेकिन अभी रात में यानी अभी समय हो रहा है 9 बज रहा है, और मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा, जब भी मेरा व्रत होता है ना तो सर में बहुत दर्द होती है। तो चलती हूँ अब आराम करने, खाना पीना मैंने बना लिया है, अभी घर में कोई खाया नहीं है। और मैं ऊपर आई थी ऐसे ही देखने, क्योंकि मैं दिया जला के जाती हूँ तो उसके बाद में चेक करने आती हूँ कि दिया का स्थिति क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कुछ हो जाता है, तो मैं दिया जलाने के बाद भी मैं यहाँ ऊपर बार बार देखने आती रहती हूँ, क्योंकि पूजा का घर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो आना जाना मेरा लगा ही रहता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हो गया है एनर्जी लो, और तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।